नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज, जो कि सबसे कॉमन डायबिटीज होता है। 90% जो है टाइप 2 डायबिटीज ही होता है। इसमें जो है कब हमको इंसुलिन शुरुआत करने की जरूरत पड़ती है, क्यों शुरुआत किया जाता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इंसुलिन का डोज क्या होता है, डोज कैसे बढ़ाते घटाते हैं और कितने तरह का इंसुलिन होता है, तो टोटल डिटेल में हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आप इसे लास्ट तक देखें, एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि किन किन कंडीशन में आपको इंसुलिन ही लेना होगा, दवा से काम नहीं चलेगा। तो ये मैंने दिया है, आप देख सकते हैं कि अगर हमेशा किसी पर्सन का HbA1c जो है, जो 3 महीने का आपका एवरेज शुगर बताता है, तो जब भी आप 3-3 महीने पे करा रहे हैं, हमेशा 9 या 10 से ज्यादा आ रहा है। कभी भी आप रैंडम प्रिक कर रहे हैं शुगर और वो 300 से ऊपर आ रहा है। आपका ऑलरेडी 2 या 3 जो है टैबलेट्स दिया गया है, 3 या 4 भी टैबलेट दिया गया है, फिर भी आपका जो यही रिपोर्ट्स आ रहे हैं, HbA1c बढ़ा हुआ है और रैंडम ज्यादा है। प्रेगनेंसी का अगर केस है, क्योंकि प्रेगनेंसी के केस में ओरल जो दवाइयां होती है एंटी डायबिटिक, वो सेफ नहीं मानी जाती है, सारी दवाइयां सेफ नहीं मानी जाती है। और है कि अगर ऑन गोइंग कैटाबोलिज्म हो रहा है, कीटोसिस हो रहा है, बहुत ज्यादा सिम्टम्स है, बहुत प्यास लग रहा है, बहुत ज्यादा पेशाब हो रहा है, अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है, CKD की तरफ अगर पेशेंट जा रहा है, क्रोनिक किडनी डिजीज की तरफ जा रहा है, तो इस कंडीशंस में जो है मैक्सिमम जो ओरल एंटी डायबिटिक दवाइयां नहीं दी जाएगी, बहुत सेलेक्टेड दी जाएगी और उससे जो है शुगर कंट्रोल नहीं होता है, तो उस कंडीशंस में भी आपको जो है इंसुलिन पे शिफ्ट किया जाएगा। और भी है, CLD अगर है, क्रोनिक लीवर डिजीज है, क्योंकि लीवर से जो है ग्लाइकोजेन और ग्लूकोनियोजेनेसिस ये सब प्रोसेस होता है, तो अगर जिनका क्रोनिक लीवर डिजीज है तो उनमें भी जो है आपको इंसुलिन देने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ मेन प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट को जैसे ही पता चलता है कि इंसुलिन शुरुआत करना होगा, तो बहुत ज्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ और जो है हेजिटेंट रहता है, तो पेशेंट को कन्विंस किया जाता है। अब जो है इंसुलिन जो है, कौन सा इंसुलिन देना है, कैसे देना है, तो सबसे पहले ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। देखिए, मेनली अगर बोला जाए तो 4 तरह का इंसुलिन होता है। पहला होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा होता है शॉर्ट एक्टिंग, तीसरा होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग और चौथा होता है लॉन्ग एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग मतलब आप सबका, आपको यह जानकारी होना चाहिए कि सबका जो है पीक एक्शन कब होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन कब होता है और कितने ड्यूरेशन तक रहता है, मतलब कब उसका एक्शन शुरुआत होगा, कब वो उसका एक्शन मैक्सिमम होगा और कितने देर तक रहेगा, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। ये जैसे ही आपको नॉलेज अच्छा हो जाएगा, फिर आप जो है पेशेंट का जो है डोज एडजस्टमेंट में या उनका हाइपोग्लाइसेमिया ना हो जाए, हर चीज आप अच्छे से कर सकते हैं। मैंने यहां दिया है, आप देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड एक्टिंग में क्या क्या आता है। लिस्प्रो आता है, एस्पार्ट आता है, रेगुलर जो होता है जो कि शॉर्ट एक्टिंग होता है उसमें क्या आता है, नॉर्मल जो आता है वो सबसे कॉमन जो होता है यही होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। इसको ऐसे भी 2 भागों में और तरीके से बांटा जा सकता है इंसुलिन को, एक होता है कन्वेंशनल इंसुलिन और दूसरा होता है एनालॉग इंसुलिन। कन्वेंशनल होता है कि जो नॉर्मली काफी दिनों से जो प्रोड्यूस किया जा रहा है ये नॉर्मल है, बहुत ज्यादा इसमें जो है चेंजेस केमिकली चेंज नहीं किया गया है। जो नॉर्मल होता है वो ह्यूमन जो इंसुलिन जो है रेगुलर वाला जो होता है ये हो गया या NPH हो गया, तो ये सब बोलते हैं कि कन्वेंशनल है, काफी दिनों से चल रहा है और इसका दाम भी कम रहता है। आजकल जो मार्केट में आया है ये बोलते हैं एनालॉग इंसुलिन, एनालॉग एनालॉग मतलब है तो इंसुलिन ही, लेकिन इसमें कुछ जो है चेंजेस किए गए हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस करने से क्या है कि इसका जो एक्शन है, जो ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत तेज काम करता है। इवन कुछ कुछ जो है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो है 5 से 10 मिनट में ही काम करने लगता है, जैसे ही आप खाना खाइएगा तुरंत आप इंसुलिन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पहले लेने की जरूरत है। और इसमें एक और चीज है कि काफी लॉन्ग एक्टिंग भी होता है, जैसे कि ग्लार्गिन होता है, आप सुने होंगे कि जो है लॉन्ग एक्टिंग, जो कि बैसालॉग नाम से आता है या लैंटस नाम से, आजकल एक बहुत ज्यादा फेमस और ये काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है डिग्लुडेक, डिग्लुडेक जो है ट्रेशिबा नाम से आ रहा है, ये 48 आवर तक काम करता है। तो ये है इंसुलिन कन्वेंशनल और एक होता है एनालॉग, और एक अगर हम डिवाइड करें तो शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। अब एक एग्जांपल देके आपको हम बताते हैं। सपोज कि कोई पेशेंट आपके पास आया, उसका HbA1c मान लीजिए कि 10.5 के ऊपर है,
या 11 आया है, उसका रैंडम शुगर कर रहे हैं तो 320 आया है, तो ये तो पूरा क्राइटेरिया में फिट वही रहा है कि इनको इंसुलिन देना है। और देखा जा रहा है कि इनका जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो दिया गया था एंटी डायबिटिक ड्रग्स, उसमें कुछ कुछ ग्लिमिपेराइड 6 मिलीग्राम चल रहा है, मेटफॉर्मिन जो है 2000 चल रहा है, SGLT2 इनहिबिटर्स डापाग्लिफ्लोजिन चल रहा है, DPP भी चल रहा है इनहिबिटर्स जिसमें सिटाग्लिप्टिन चल रहा है, तो ये सब दवाइयां चल रही हैं। तो पहला चीज कि इनका क्रिएटिनिन भी इनका बढ़ता जा रहा है, 1.5 के आसपास आ गया है। तो अब आपका पहला काम होगा कि इनको इंसुलिन पे शिफ्ट किया जाए। सबसे मेन जो कारण है इसलिए कि शुगर अगर कंट्रोल है ही नहीं तो दवा लेने से क्या फायदा, और दूसरा कि किडनी में ऑलरेडी इंजुरी हो रहा है और अगर ये दवाइयां मेटफॉर्मिन और ग्लिमिपेराइड ये सब कंटिन्यू करते जाएंगे तो इंजुरी कंटिन्यू होती चली जाएगी और वो बहुत जल्दी CKD का पेशेंट बन जाएगा और फिर धीरे धीरे उसको डायलिसिस भी जरूरत पड़ेगा। अब हर चीज सेफ करने के लिए हमको स्टार्ट करना होगा जो है इसमें इंसुलिन। अब इंसुलिन शुरू करेंगे, ग्लिमिपेराइड इसमें हम बंद कर देंगे, मेटफॉर्मिन को हम बंद कर देंगे, SGLT2 इनहिबिटर दिया भी जा सकता है नहीं भी, और DPP4 इनहिबिटर्स दैट इज सिटाग्लिप्टिन के जगह हम लीनाग्लिप्टिन देंगे क्योंकि काफी सेफ होता है, और SGLT2 में भी अगर देना है तो हम हाफ कर देंगे डोज, डापाग्लिफ्लोजिन अगर 10 चल रहा है तो 5 दे देंगे या 10 भी दिया जा सकता है। तो मेन यही दो ही दवा अभी आप दे सकते हैं, और भी है पायोग्लिटाजोन है ये सब दे सकते हैं, बट यही दो दवा अभी चलेगा फिलहाल इस पेशेंट में, बाकी ये दोनों दवा बंद हो जाएगा ग्लिमिपेराइड और मेटफॉर्मिन। अब हम इसको देना है दवा जो है इंसुलिन, तो इंसुलिन में जो हम शुरुआत करते हैं वो होता है बेसल इंसुलिन। बेसल का मतलब है, अगर हिंदी में अगर हम बात करें ना बेसल का, तो बेसल का मतलब होता है बुनियादी, बुनियादी मतलब बुनियादी ढांचा सुने होंगे, या फंडामेंटल मतलब एक बेस होना चाहिए। हुआ क्या है कि पेशेंट ऑलरेडी जो है डायबिटिक है, काफी दिनों से है डायबिटिक, तो एक बेस लाइन जो इंसुलिन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में रहता है, हम में आप में अगर डायबिटिक नहीं है तो जो बेस लाइन इंसुलिन का लेवल है वो भी नहीं है। तो पहला काम करना है कि हमको बेस लाइन इंसुलिन देना है, बेसल इंसुलिन, ऐसा बेसल जो 24 आवर या उससे ज्यादा तक काम करे। तो हमेशा एक इंसुलिन की जो शुरू से कमी है इस पेशेंट में ये पूरी की जाए, जो बेसल इंसुलिन हम लोग देंगे कितना डोज में, 0.1 टू 0.2 जो है यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। 60 केजी का आदमी है तो 0.1 से ही शुरू करेंगे, क्यों ज्यादा से शुरू करें, कम से ही शुरू करते हैं। तो 60 केजी का आदमी है तो 0.1 इंटू 60 मतलब 6 यूनिट इनको बेसल, और सबसे कॉमनली बेसल अगर दाम के मामले में भी और काम के मामले में भी दोनों के लिए अच्छा है कि आप ग्लार्गिन दीजिए, जो कि लैंटस नाम से आता है, बेसालॉग नाम से आता है, ठीक है। तो ये आप शुरुआत कर दीजिए इनको, और कब दीजिएगा तो बेटर है किसी भी टाइम दिया जा सकता है, लेकिन रात को आप इनको फिक्स कर दीजिए। अब जब आप ग्लार्गिन देंगे तो उसका जो पीक एक्शन है, मेनली सब इंसुलिन का पीक एक्शन नहीं होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो शुगर कम करना ये सडन वाला एक्शन नहीं होता है, हाइपोग्लाइसीमिया वाला एक्शन यूजुअली नहीं होता है लॉन्ग एक्टिंग में, लेकिन ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 से 4 घंटे में ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। तो हम बेसालॉग दे दिए, मतलब कि हम ग्लार्गिन इंजेक्शन जो है दे दिए सबक्यूटेनियसली, और हम अब क्या देखेंगे, तो अगले दिन सुबह का हमको देखना है फास्टिंग, देखना है कि फास्टिंग शुगर कितना आ रहा है, और फास्टिंग शुगर जितना आएगा, क्योंकि हमारा फास्टिंग का टारगेट होना चाहिए 90 से 130 या 90 से 140 के बीच में, तो ये हमारा फास्टिंग का टारगेट होना चाहिए। उसी हिसाब से अब 6 से हम शुरुआत किए थे, फास्टिंग अगर मान लीजिए ज्यादा 200 से ज्यादा है तो 2 यूनिट और बढ़ाइए रात वाला, मतलब जो बैसा लोग है उसको और 2 यूनिट बढ़ाइए, और 2 यूनिट मतलब हर 2 से 3 दिन में 2-2 यूनिट करके बढ़ाइए, ताकि जो है फास्टिंग इसका करेक्ट हो जाए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो भी इंसुलिन इनिशिएट होता है, ट्रीटमेंट होता है ना इंसुलिन का, उसमें सबसे पहला जो डिक्टम है कि FFF फिक्स्ड फास्टिंग फर्स्ट, पहले फास्टिंग शुगर को आप फिक्स कीजिए, ठीक कीजिए। तो बेसालॉग से आपका यही होगा कि फास्टिंग शुगर जो है आपका ठीक कीजिए, और मैंने बताया कि 0.1 से 0.2 का आपको डोज लेना है बॉडी वेट के हिसाब से, और देने के बाद फास्टिंग को आप चेक करते रहिए, और हर 2 से 3 दिन पे जो है इसका 2-2 यूनिट बढ़ाया जा सकता है, टाइट्रेट किया जा सकता है
जब तक कि आपके रेंज में ना आ जाए, रेंज जो मैंने बोला 90 से 140 या बहुत बार 80 से 130 ये भी होता है। तो ये हो गया जो है आपका बैशालॉक का फंडा। हालांकि बैशालॉक देने से मैंने जो देखा है कि जैसे आप फास्टिंग ठीक करने लगते हैं ना, तो चूंकि ये 24 घंटा काम करता है ना, तो बहुत बार देखा गया है कि बहुत हद तक आपका जो है पीपी या डिनर के बाद वाला जो है आफ्टर डिनर, ये सब भी बिफोर डिनर, ये भी ठीक होने लगता है बहुत पेशेंट में। और साथ में ओरल एंटी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ये आप चलाते रहिए। इसमें खासकर आप ये नहीं दीजिएगा, दैट इज ग्लिमिपेराइड, क्योंकि ऐसे भी किडनी इंजर्ड है, मेटफॉर्मिन नहीं दीजिएगा। अदर आप दिया जा सकता है, एकार्बोज दिया जा सकता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, वोग्लिकोज, ये सब दिया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, बेसल इंसुलिन की प्रॉपर एंड बैलेंस्ड सिक्रीशन के लिए आयुर्वेदिक बेट कैप्सूल और लिवकन कैप्सूल का कॉम्बो पैक को स्टार्ट कीजिए। बेट कैप्सूल के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पैनक्रियास में मौजूद बेटा सेल्स की ग्रोथ में मदद करते हैं, साथ ही इंसुलिन प्रोडक्शन को एक्टिवेट करते हुए बॉडी के शुगर अपटेक को एनहांस करते हैं। बेट कैप्सूल एक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। लिवकॉन कैप्सूल के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डैमेज्ड लिवर सेल्स को नरिश करते हैं, जिसे ग्लाइकोजन स्टोरेज रेगुलेटेड रहता है और इंसुलिन की सप्लाई फास्टिंग पीरियड में भी एक्टिव रहती है। उज्वाला का आयुर्वेदिक बेट कैप्सूल और लिवकॉन कैप्सूल का कॉम्बो पैक इंसुलिन का एक नेचुरल सपोर्ट है, एंड उज्वाला आयुर्वेद आश्रम है आपका नेचुरल साथी। डिस्कस करने के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए एंड हम आपके कॉल का इंतजार करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कितने तरीके से इंसुलिन जो है आपको दिया जा सकता है। पहला मेथड बैसल का, बैसल जो है इंसुलिन, दूसरा बैसल बोलस, और तीसरा प्रीमिक्स। ये हमेशा याद रखिएगा, बैसल मतलब कि एक बार ही दिया जा रहा है, और बैसल इंसुलिन दिया जा रहा है मतलब लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो काफी देर तक 24 आवर तक आपके बॉडी में रहे और एक परसिस्टेंट इंसुलिन का लेवल मेंटेन रहे और शुगर को वो इंसुलिन कंट्रोल करता रहे। तो सिंगल जो है इंसुलिन दिया जाएगा। बहुत बार देखा जाता है कि सिर्फ अगर आप बैसल दिए हैं तो फास्टिंग तो कंट्रोल में आ गया, लेकिन दोपहर में खाने के बाद वाला डेट इज पीपी, या रात में जो है डिनर के बाद या डिनर से पहले, ये कंट्रोल में नहीं आता है। इस केस में जो है आपको बैसल बोलस देना पड़ता है। बैसल मतलब कि रात वाला तो बैसल हम देंगे ही लॉन्ग एक्टिंग, बोलस मतलब है जो हम खा रहे हैं, बोलस जिस टाइम में हम ज्यादा खाते हैं, मेनली हम मान के चलते हैं कि तीन टाइम, दैट इज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीन टाइम में जो है आपका बढ़ रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी लेंगे ही, क्या लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट मील ज्यादा लेंगे। तो इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए फिर आपको अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या नॉर्मली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दिया जाएगा। तो एक बार बैसल और तीन बार बोलस। बोलस याद रखिएगा, बोलस मतलब कि जो खाना का बोलस, तो हम जो खाना खाते हैं, तो खाना खाएंगे तो शुगर का स्पाइक होता है, उसको तो बैसालॉग, दैट इज बैसल वाला जो है, या जो लेंटस है, ग्लार्जिन जो है, ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो एक परसिस्टेंट लेवल मेंटेन किया हुआ है, लेकिन खाने के बाद जो स्पाइक होगा शुगर का, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और आपको मालूम है कि सारा खेल डायबिटीज में और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस जो होता है, ये शुगर जितना ज्यादा स्पाइक होता है, इंसुलिन स्पाइक्स होता है, इसी का ये खेल है। शुगर जितना स्पाइक होगा उतना प्रॉब्लमेटिक है। तो हर खाने के बाद शुगर स्पाइक हो रहा है, तो हर खाना, खासकर नाश्ते के बाद, दोपहर में खाने के बाद और रात को खाने के बाद, तीनों टाइम जो है आपको एक शॉर्ट एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग देना है। अब अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग देंगे तो आप 5 मिनट पहले जो है इंजेक्शन ले लीजिए और खा लीजिए, या खाते खाते भी आप ले सकते हैं कि इंजेक्शन, जैसे कि फियास्प करके आता है। और अगर रेगुलर वाला दिया जाएगा तो वो बोला जाएगा 15 से 20 मिनट पहले जो है आप लीजिए। रेगुलर वाला जो है सस्ता आता है, जो ह्यूमन एक्रापिड होता है। और तीसरा होता है प्रीमिक्स, नाम ही है प्रीमिक्स, पहले से ही मिक्स किया हुआ है, मतलब एक शॉर्ट एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, दोनों में से कोई एक, और साथ में एक इंटरमीडिएट एक्टिंग, ये मिक्स किया हुआ रहता है। तो आप बहुत कॉमनली सुने होंगे मिक्सटार्ड नाम सुने होंगे, ये प्रीमिक्स इंसुलिन है, मतलब मिला हुआ है इसमें दो चीज। या आप सुने होंगे नोवोमिक्स 30 सुने होंगे,
या ह्यूमालॉग मिक्स 25, ह्यूमालॉग मिक्स 50, तो ऐसा नाम सुने। अब तीनों जो मेथड है डेट इज इंसुलिन जो देने का, पहला कि बैसल ही देना है सिर्फ, या बैसल बोलस देना है, या हमको प्रीमिक्स देना है, तो तीनों के अपने फायदे हैं अपने नुकसान है। बैसल की अगर हम बात करें तो दिन में एक बार ही देना है तो पेशेंट ऑब्वियसली बहुत खुश रहेगा। और बैसल में ये है कि पीक होता नहीं है, पीक मतलब कि जो है पीक एक्शन जो होता है इंसुलिन का वो नहीं होता है, तो जिसके चलते जो है आप देखेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया न के बराबर नहीं होता है ऐसे पेशेंट में। अगर हम बात करें जो है बैसल बोलस की, तो ये तीन बार चार बार प्रिक करना पड़ेगा, एक बार बैसल रात को और तीन बार जो है आपको देना पड़ेगा शॉर्ट एक्टिंग जो मैंने बताया, या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, तीन बार लेना है आपको खाने से पहले, दोपहर में, रात को और नाश्ते से पहले। तो तीन मतलब चार बार ये कम से कम प्रिक करना होगा, और फिर शुगर भी चेक करना होगा तो प्रिक ज्यादा बार करना पड़ेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि खाने के समय अगर ज्यादा दे दिए या इंसुलिन कोई ले लिया, खाना नहीं खाया, तो तुरंत जो है हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में, तो हाइपोग्लाइसीमिया का चांस ज्यादा बना रहता है। नेक्स्ट है कि प्रीमिक्स, तो प्रीमिक्स में मैंने बताया ही कि एक जो है शॉर्ट एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग प्लस इंटरमीडिएट एक्शन का मिश्रण है, तो प्रीमिक्स बोला गया है, नाम से ही पता चलता है कि ह्यूमालॉग मिक्स जो है 25 या नोवोमिक्स 30, तो 30-70 सुने होंगे, तो जो ज्यादा वाला होगा ना वो इंटरमीडिएट एक्टिंग पार्ट होगा, जो 70 है मतलब 70 वाला जो पार्ट है इंटरमीडिएट होगा, जो कम वाला है अगर 25 लिखा हुआ है जैसे कि ह्यूमालॉग मिक्स 25, तो 25 जो है ये शॉर्ट एक्टिंग वाला होगा, और जो बचा हुआ 75 है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग होगा, तो ये याद रखिएगा। तो प्रीमिक्स के साथ भी एक बेनिफिट ये हो गया कि पेशेंट को जो है दो ही बार प्रिक करना है, एक बार जो है बिफोर ब्रेकफास्ट और एक बार जो है बिफोर डिनर आपको प्रिक करना है। लेकिन एक खामियाजा ये है कि डोज एडजस्ट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि देखिए एक का बढ़ाएंगे ना तो दूसरा बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी दो चीज मिला हुआ है इसमें, तो थोड़ा डोज एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम आता है प्रीमिक्स में। अब हम बात करते हैं बैसल बोलस की, तो बैसल मतलब रात वाला जो है, यूजुअली रात को ही देते हैं या दिन में भी आप दे सकते हैं, रात वाला कन्वीनियंट होता है। तो रात को आपने एक लॉन्ग एक्टिंग ग्लार्जिन दैट इज किसी भी नाम से, लैंटस या बैसलोग नाम से आपने दे दिया, आप बार बार शुगर मॉनिटर कर रहे हैं, खासकर कौन सा शुगर, तो फास्टिंग शुगर, सुबह वाला जो है फास्टिंग शुगर, और उसके हिसाब से डोज एडजस्ट कर रहे हैं, फिर भी आप देख रहे हैं कि ठीक है वो तो कंट्रोल हो गया, लेकिन आप अगर HbA1c करा रहे हैं वो बढ़ा हुआ आ रहा है, शुगर जो है खाने के बाद वाला PP बढ़ा हुआ आ रहा है, डिनर के बाद भी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको डिमांड कर रहा है कि आप जो है अब बोलस ऐड कीजिए। शुरुआत में तो एक ही टाइम बोलस दिया जाता है, बोलस का जो डोज होता है यूजुअली जितना भी डोज चल रहा है उसका 10% देते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए 20 चल रहा है तो 20 का 10% मतलब कि 2 यूनिट्स करके जो है हम देते हैं। तो बैसल बोलस का डोज कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए कि हमको तीन बार आपको बोलस देना है और एक बार बैसल देना है, मतलब बैसल बोलस हो गया, तो कैसे डोज कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ये 0.3 से लेके 0.4 जो है यूनिट पर केजी के हिसाब से हम लोग निकालते हैं, और जितना आता है यूनिट, सपोज कि मान लीजिए 18 यूनिट अगर आ गया तो 18 में क्या करते हैं कि 50% जो है हम लोग देते हैं बैसल और 50% बोलस, और जो 50% बोलस है, बोलस तो तीन बार देना है, तो जो 50% है इसको तीन बार में डिवाइड करते हैं, तो मान लीजिए कि किसी का जो है 6 करके मतलब 60 kg अगर वजन है तो 0.3 के हिसाब से आ गया 18 यूनिट, 18 यूनिट में 9 यूनिट हमको देना है बैसल जो कि हम रात में दे देंगे, और बोलस हमको देना है तीन बार, तो 9 को जो है तीन बार डिवाइड कर दिया मतलब 3, तो 3 3 3। अब ये जो रहेगा इंसुलिन, ये आपको ऑब्वियसली बोलस है मतलब शॉर्ट एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में से कोई भी हो सकता है, जो है दिन में तीन बार करके बिफोर मील आपको लेना है, या जस्ट बिफोर मील अगर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है तो, और 15-20 मिनट बिफोर मील अगर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, और फिर इसी के हिसाब से जो है डोज टाइट्रेट किया जाएगा, 2-2 यूनिट करके जो है 2-3 दिन में चेक किया जाएगा, 2-2 यूनिट करके देखा जाएगा। देखिए सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो बैसल वाला ही होता है, एक बार से शुरुआत कीजिए, अगर आपका सपोज कि आपका शुगर और HbA1c ये सब कंट्रोल्ड है तो बैसल को उसी तरह से चलने दीजिए,
अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर जो है आप बोलस मतलब और एक मील के साथ बढ़ाइए, एक मील के साथ, फिर जरूरत पड़ेगा तो दूसरे मील के साथ और मैक्सिमम तीसरे मील के साथ, तो एक बेजल और तीन बोलस। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है क्योंकि ये हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी को मिमिक करता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी शरीर का भी ऐसा ही होता है कि एक बेस लाइन रहता है इंसुलिन का, और जब हम खाते हैं तो इंसुलिन ज्यादा रिलीज होता है और फिर जो है कम जाता है, शुगर को कम करता है, फिर खाते हैं तो बढ़ता है, फिर कम रहा। तो ये नॉर्मल जो फिजियोलॉजी मिमिक कर रहा है ना, इसीलिए बेसल बोलस बेस्ट होता है। अब किस पेशेंट को बेसल देना है या प्रीमिक्स देना है या बेसल बोलस देना है, खासकर बेसल बोलस देना है कि प्रीमिक्स देना है, ये डिसीजन जो है कैसे होगा, तो इसका एक क्राइटेरिया है, एक फॉर्मूला है। जैसे कि शुगर फास्टिंग बाई HbA1c आप कर दीजिए, अगर HbA1c और शुगर फास्टिंग ये जो रेशियो है अगर 20 से ज्यादा आता है तो फिर इस केस में आपको जो है बेटर रहेगा कि बेसल बोलस देना चाहिए, और अगर ये 20 से कम आता है तो फिर इस कंडीशन में आपको प्रीमिक्स इंसुलिन देना चाहिए। अब इसलिए ये बात हो रही है क्योंकि देखिए फास्टिंग अगर ज्यादा है, फास्टिंग ज्यादा है ना, तो आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि HbA1c जो होता है जितना ज्यादा होते जाता है ना, तो फास्टिंग कंपोनेंट उसमें जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसीलिए जो है हम लोग शुरुआत करते हैं इस कंडीशन में बेसल बोलस वाला। अब हम आते हैं कि प्रीमिक्स जो है कब देते हैं, तो देखिए प्रीमिक्स का मैंने ये बताया फॉर्मूला कि फास्टिंग बाई HbA1c अगर लेस देन 20 आता है तो हम लोग प्रीमिक्स देते हैं। प्रीमिक्स यूजुअली जो है दो बार देते हैं, बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर डिनर देते हैं। डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 0.3 टू 0.5 यूनिट पर केजी के हिसाब से जो है बॉडी वेट जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.3 हम क्योंकि कम वाला ही लेते हैं, क्योंकि क्यों हम अनवांटेड जो है हाइपोग्लाइसीमिया कराए पेशेंट्स का, क्योंकि हमेशा याद रखिए हाइपोग्लाइसीमिया जो है बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो शुरुआत कम से ही कीजिए। तो 0.3 इंटू जो भी बॉडी वेट है, मान लीजिए कि 60 केजी है तो 6 इंटू 0.3, तो ये आ गया 18 यूनिट। अब 18 यूनिट में क्या करना है कि 2/3 जो है आपको दे देना है बिफोर ब्रेकफास्ट और 1/3 आपको देना है बिफोर डिनर, और ऐसे देना है, और फिर उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे आप टाइट्रेट करिएगा, सेट कीजिएगा, एक एक यूनिट दो दो यूनिट करके इसके हिसाब से बढ़ाया जाता है। हालांकि हर चीज का फॉर्मूला है वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप मेनली यही याद रखें। अब प्रीमिक्स के साथ फायदा क्या है, तो आप देख ही लिए कि दो ही बार लेना है इंजेक्शन, बिफोर ब्रेकफास्ट और एक बिफोर डिनर लेना है। लेकिन सबसे बड़ा जो घाटा है ना कि इसको जो है अच्छे से टाइट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या है ना कि इसमें दो चीज मिला हुआ है, तो अगर हम एक बढ़ाना चाहेंगे ना तो दूसरा भी बढ़ जाता है। और एक और चीज रहता है कि नाइट टाइम में जो है हाइपोग्लाइसीमिया का चांस बना रहता है, क्योंकि देखिए आप इसमें देते हैं जो इंसुलिन रहता है प्रीमिक्स इंसुलिन में, एक तो शॉर्ट एक्टिंग रहता है और दूसरा शॉर्ट या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, और दूसरा होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग जो इंसुलिन है इसका पीक ऑफ एक्शन 4 to 6 आवर्स के बाद शुरू होता है, तो नाइट टाइम में जब आप लेके आप सोएंगे ना तो उस कंडीशन में शुगर फॉल करने का चांस बना रहता है, तो इसीलिए और कम डोज से शुरुआत किया जाए। अगर आप मॉर्निंग अगर देते हैं, मॉर्निंग में जो आप दे रहे हैं, सपोज कि आप प्रीमिक्स दे रहे हैं जो मैंने बोला 2/3 जो है आप दीजिए, तो मॉर्निंग दीजिएगा तो आप बिफोर डिनर वाला जो है वो चेक कीजिएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वहां दिखेगा। और बिफोर डिनर वाला जो आप दिए है ना उसको आप मॉर्निंग में फास्टिंग वाला चेक कीजिए। तो ऐसे चेक किया जाता है और टाइट्रेट किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग तो तुरंत आप उस समय खा लीजिएगा, वो तो कुछ नहीं है, वो तो उसी समय काम कर जाएगा, उसी समय शॉर्ट एक्टिंग काम करके फिर अपना सेटल कर जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।